बात वक्फ बोर्ड पर मचे घमासान की, भाईजान की मनमानी पर बाबा बागेश्वर लगाएंगे ब्रेक। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। इस पूरे विवाद में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है और बाबा ने वक्फ बोर्ड पर मौलानाओं के विरोध को मनमानी बताया और इस मनमानी पर ब्रेक लगाने की कमान खुद संभाल ली है। कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या है बाबा का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं धार्मिक तौर पर भी बटा हुआ था, तब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पदयात्रा कर आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के नक्शे को आध्यात्म के एक सूत्र में पिरोया था। 1200 साल बाद एक बार फिर पदयात्रा शुरू होने वाली है जिसका नाम है हिंदू एकता पदयात्रा और इसका मकसद है हिंदुओं को जागरूक करना। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री। बाबा का मुख्य एजेंडा उनकी ही जुबान से सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड वालों की मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि उनके लगातार वह जहां भी वोट जिस वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने मोर्चा खोल रखा है, बाबा बागेश्वर पदयात्रा के जरिए उसी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में हैं। इसका ऐलान उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन में किया है जहां उनके साथ एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर चुके धीरेंद्र शास्त्री ने ये मुहिम तब तेज की है जब वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ हैदराबादी भाईजान ने पूरा जोर लगा रखा है। असदुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी सड़कों पर उतर चुके हैं, घर घर पर्चा बांट रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर QR कोड चिपका रहे हैं, जुमे की भीड़ को भी वक्फ विधेयक के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, दुकान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं और लोगों को रोक रोक कर वक्फ विधेयक के खिलाफ वोट करवाया जा रहा है। इससे पहले मुस्लिम मोहल्लों में स्पीकर घुमाकर मुनादी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यानी वक्फ पर लड़ाई अब आमने सामने की हो चुकी है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी भ्रम तोड़ने की तैयारी तेज कर दी है। हिंदू समुदाय का आरोप है कि मौजूदा वक्फ कानून के जरिए जमीन कब्जाई गई, सरकार JPC की रिपोर्ट आने के बाद बिल पर फैसला कर लेगी, लेकिन कांग्रेस के सुर बता रहे हैं कि वक्फ विधेयक पर संग्राम जारी रहने वाला है। जो जिनकी प्रॉपर्टी है वो उसके साथ में रहना चाहे, अगर कोई विवाद है तो उसमें कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स उसकी देखभाल करेंगे। हम लोगों ने इसका विरोध जब टेबल किया गया था उसी दिन हम लोगों ने इसका विरोध किया है, आगे भी इसको विरोध करेंगे। वक्फ विधेयक भले ही JPC की टेबल पर हो लेकिन संसद से सड़क तक संग्राम साफ देखा जा सकता है। मौलवी और मौलाना जिस तरह से बिल के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं, उसके बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। यानी वक्फ विधेयक पर फैसले से पहले नूरा कुश्ती जारी रहने वाली है। राहुल सिंह राठौड़, Zee Media, उज्जैन।